नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M32 5G versus Samsung Galaxy M33 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M32 5G में 6.46 इंच जबकि Galaxy M33 5G में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M32 5G में 3 इंच जबकि Galaxy M33 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M32 5G में 0.36 इंच जबकि Galaxy M33 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि M32 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो M32 5G में 205 ग्राम्स जबकि Galaxy M33 5G में 215 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि M32 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही TFT की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M32 5G में 6.5 इंचेस जबकि Galaxy M33 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M32 5G में 720x1600 और Galaxy M33 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M32 5G में 81.63% जबकि Galaxy M33 5G में 82.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M32 5G में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy M33 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M32 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M33 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M32 5G में Mali G57 MC3 जबकि Galaxy M33 5G में Mali G68 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M32 5G में MediaTek Dimensity 720MT6853V और Galaxy M33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M32 5G में Android V11 जबकि Galaxy M33 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी M32 5G में 5000 mAh जबकि Galaxy M33 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M32 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी M33 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी M32 5G में 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी M33 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M31S है, दूसरा OnePlus 8T 5G है, तीसरा इन्फिनिक्स 08i है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।